कानपुर बाबूपुरवा थाना क्षेत्र स्थित चार रोड चौराहा के पास पत्रकार के ऊपर हुआ हमला। पत्रकार के ऊपर हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया FIR। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमलों को लेकर पत्रकारों में आक्रोश। योगी सरकार से पत्रकारों के हित में कड़ा कानून बनाने की मांग। आपको बता दें कि बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले आमिर हुसैन आज रात लगभग 8:15 बजे न्यूज कवरेज करने चार रोड चौराहा के पास गया था। चार रोड चौराहे के थोड़ा आगे एक ई रिक्शा वाले ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिससे बच्चा गिरकर बेहोश हो गया था। उक्त घटना की पत्रकार आमिर हुसैन वीडियो बना रहा था। इस समय भीड़ के अंदर ही 3 अज्ञात लोगों ने पत्रकार को पकड़कर बुरी तरह से मारने पीटने लगे। पत्रकार का मारपीट में चश्मा आदि टूटकर चूर चूर हो गया। पत्रकार ने बाबूपुरवा थाना पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने पत्रकार को KPM अस्पताल डॉक्टरी मेडिकल कराया। पत्रकार के हमलावरों के खिलाफ थाना बाबूपुरवा पुलिस ने FIR दर्ज करके CCTV फुटेज वीडियो के आधार पर अज्ञात तीनों हमलावरों के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर रही है। RDI News 24 के लिए संवाददाता विकास की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम है आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, आप क्या काम करते हैं? हम पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता करते हैं। आपके आपका क्या समस्या, आपने विस्तार से बताइए जो है, क्या हुआ आपके हमारी साथ? समस्या ये है कि हम आ रहे थे बाकरगंज की ओर, चार राड से बाकरगंज की ओर आ रहे थे, और उसी समय एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। एक रिक्शे वाले ने उसको टक्कर मार दी थी, तो टक्कर मारने से वो बेहोश हो गया था। मैंने उसको किनारे उठा के किनारे करा, उसके बाद पुलिस वालों को फोन किया। फोन करने के बाद वो पुलिस वाले आए, वहाँ से रिक्शे को ले गए थाने, और थाने जाने के बाद कुछ वहाँ पे भीड़ बहुत जमा थी, तो हम वीडियो बनाने लगे, कवरेज करने लगे थे। तो 3 अज्ञात आदमी आए जिन्होंने हमें बुरी तरीके मारना पीटना चालू कर दिया और गाली देने लगे। कहाँ कहाँ मारा आपको? हमको तमाचों से मारा था, लात मारा था, तो। और जाते समय उन्होंने जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। जान से मारने की भी धमकी दी आपको? जी। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? इसकी शिकायत हमने थाना बाबूपुरवा पुलिस में की। अच्छा, तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने KPM में डॉक्टरी कराया, डॉक्टरी कराने के बाद मेरी FIR दर्ज की। तो उन्होंने क्या सांत्वना दी है आपको? बस कुछ नहीं, खाली बस ये FIR दर्ज हो गई मेरी। FIR दर्ज हुई तो मतलब सामने अधिकारी ने कुछ कहा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कहा उन्होंने? सब अभी कुछ नहीं कहा। अभी नहीं कहा? जी नहीं। तो मामले की जांच होगी कि नहीं होगी, कुछ कंफर्म नहीं है? जी कुछ नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आप ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षित होना चाहिए, आज पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, और मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं आप? हम हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं कि जब पत्रकार के साथ ये काम हो रहे हैं तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब आप ये क्या मतलब मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं कि मतलब पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज ऊपर तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जल्द ही आपकी उचित कार्रवाई होगी। थैंक यू। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RDI News 24, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।